स्वदेश वाणी। नमस्कार, शुभ प्रभात, जोहार। 27 मार्च 2021 की खबरों के साथ ये है स्वदेश वाणी। आइए डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीज इंफ्रा, सबका सपना रांची में घर हो अपना। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा, तोहफे में कोरोना वैक्सीन के 12 लाख डोज लेकर ढाका पहुंचे मोदी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को वैक्सीन देने का आश्वासन दिया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का भारत दौरा, सू वुक को सुषमा स्वराज भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजनाथ सिंह रहे मौजूद, विभिन्न मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। इसराइल में संसदीय चुनाव हुआ संपन्न, किसी पार्टी को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने 52 सीटों पर जमाया कब्जा, वहीं विरोधी के खाते में गई 57 सीटें। आइए अब चलते हैं राष्ट्र खबरों की ओर। हरियाणा निकिता तोमर हत्याकांड, तौसिफ और रिहान को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 26 तारीख को वारदात, 151 दिन बाद 26 को ही आया फैसला। बिहार बोर्ड के इंटर रिजल्ट में 78.04% पास। कॉमर्स में औरंगाबाद की सुगंधा, साइंस में नालंदा की सोनाली टॉपर, आर्ट्स में खगड़िया की मधु और सिमुलतला के कैलाश टॉपर। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई के सबसे बड़े ड्रग डीलर बटाटा का बेटा गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स और नोट गिनने की मशीन मिली। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश। आइए अब चलते हैं अपने झारखंड की खबरों की ओर। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर राज्य सरकार सतर्क, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला, रोज कर रहे हैं समीक्षा। पानी के लिए किया सड़क जाम, आंदोलनरत होमगार्ड जवानों ने कहा हमारे आंदोलन को प्रभावित करना चाहती है सरकार। घुट घुट के मर जाएंगे लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी नहीं हटेंगे। लोहरदगा के एक घर में धमाका, किचन में हुए ब्लास्ट से मां बेटी घायल, घर की दीवारों में आई दरार, पड़ोस की खिड़कियां भी टूटी। ब्लास्ट के कारणों का नहीं चल रहा पता, सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित। अब कुछ खबरें खेल जगत की। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, 12 महीने बाद साइना किसी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। किदांबी श्रीकांत और ईरा शर्मा ने भी अपनी जगह की पक्की। स्टोक्स ने गेंद पर लार लगाई, इंग्लिश ऑलराउंडर ने भारत दौरे पर दूसरी बार तोड़ा कोरोना का नियम। डेंजर जोन में रन दौड़ने पर कोहली को भी वार्निंग। ये थी अब तक की खबरें। इसके अलावा अन्य खबरों की जानकारी के लिए आए हमारी वेबसाइट swadeshwani.com पर या हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।